हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, होप करता हूं कि आप सब खुश हो गए। सर सब दोस्तों से मैं भी एकदम खुश हूं। और आज मम्मी 26 जनवरी के अवसर पर बनाई है पूरियां और आलू की सब्जी, मुझे अच्छी लगती है पूरियां। और अब मैं दिखाता हूं मम्मी बना रही है, देखो दोस्तों हमारे गरम गरम पूरियां और ये रहा तेल। और मम्मी सब्जी दिखा रहे हैं, सब्जी देखो मम्मी ने बहुत सारी बनाई थी लेकिन थोड़ी सी बच गई, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। देखो दोस्तों टमाटर वाली आलू टमाटर की पानी की और फूली फूली पूरी है, देखो देखो दोस्तों। जिस जिसको पूरी अच्छी लगती है आओ और खा जाओ, देखो बिल्कुल मस्त बनी है। और इसका नाम है दोस्तों थोड़ा, और ये कलर में बताओ कैसा है, काला है कलर में, काला थोड़ा गजब बेइज्जती है। और अभी ये कोई बजा रहा है। तो दोस्तों अभी मम्मी भी ना चुके हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ मम्मी जी से। मम्मी जी एक बार वो कर दो, शुभकामनाएं दे दो सभी को। हार्दिक शुभकामनाएं, 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मम्मी जी की तरफ से और मम्मी की तरफ से, हम सब की तरफ से। और जब तक मैं सो रहा था ना मम्मी, तो मम्मी नहा भी ली थी और बुला कर ली थी और लड्डू पापा जी नहला दिए, आज मम्मी जी ने नहला दिया था। तो अभी मैं मिलवाता हूँ अपनी दीदी जी से। मम्मी जी ने तो आज इतना सारा काम कर, मैं डेली करती है लेकिन आज पानी भी आया था तो जल्दी उठना पड़ा मम्मी को और आज हम लेट उठे, तो दीदी से मिलवाता हूँ अभी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल मेरी तरफ से। तो मैं मिलवाता हूँ अपने दादी जी से और फिर मिलवाता हूँ अपने लड्डू गोपाल जी से, फिर मिलवाता हूँ अपनी रानी जी से। तो मेरी दादी जी भी है। माँ जी एक बार 26 जनवरी की शुभकामनाएं दे दो सभी को। 26 जनवरी की शुभकामना क्या, 26 जनवरी की शुभकामना, शुभकामना आया मैं और दीदी जी बचे हुए हैं क्योंकि आज हम लेट उठे थे, मतलब दीदी जी भी जल्दी उठ हुई थी, मैं लेट उठा था आज। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं माँ, हर शुभकामना दोस्तों 26 जनवरी की हर शुभकामना आपको। और मैं मिलवाता हूँ अपने लड्डू गोपाल जी से। देखो दोस्तों ये रहा हमारा लड्डू गोपाल जी और हमारा गणेश जी भी है। देखो लड्डू गोपाल जी की भी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी की दोस्तों, और सभी देवी देवताओं की तरफ से। देखो मम्मी जी ने पूजा कर ली थी और अभी भाई थोड़ी देर के लिए पूजा वाले घर में ही बैठा है। देखो दोस्तों अभी लड्डू गोपाल जी से मिलवा दिया है और अभी रानी बाहर घूमने गई है, तो जब वो घर पे आ जाएगी तब आपको उससे मिलवाऊंगा रानी जी से। और पापा जी अभी गए हैं कहीं पे काम पे, अभी गए हैं, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट की थी ना जब भी गए हैं। रानी तो घर पे ही है, आ गई है सुबह बाहर थी, सो रही है तू। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, ऊपर देख नानू, 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं रानी की तरफ से सभी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लानी और आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। देख नानू देख कितने आराम से बैठी है अभी। देखो दोस्तों अभी बाहर आया था मैं और आप सभी को दिखा, वो बच्चे देखो फ्लैग लेके जा रहे हैं इंडिया का, है ना। और देखो आज ना धुंध है और दिनों से, मतलब अभी तो खत्म हो चुकी है, अभी मतलब थोड़ा 10:30 बज गए ना, तो अभी थोड़ी मुझ चुकी है सुबह। तो अभी हाँ थोड़ी खत्म हो चुकी है धूप, और सुबह सुबह तो इतनी ज्यादा थी लेकिन ठंड भी अभी भी है। तो आज हमारे घर पे शेरू आया है, देखो ये कितना बड़ा हो गया। अब मैं साइड में ना एक क्लिप लगा दूंगा, जल्दी देखो पहले कैसा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया। देखो बाहर एक कुत्ती आई थी दोस्तों, मतलब एक डॉग आया था, उसको ऐसे भगा दिया गली में से, ऐसे भगा दिया इसने, तो कैसे मस्ती कर रहा बहुत दिनों बाद आया है। देखो देखो राणा के साथ खेल रहा है, देखो देखो है ना बहुत ज्यादा क्यूट, कितना बड़ा हो गया ये देख लो दोस्तों, राणा से ही बड़ा हो गया, देखो राणा से बहुत बड़ा हो गया ये। जा रहे अपने परले घर पे, जयसर के घर पे, जो मेरे साथ गया था ना शादी में, तो उनके साथ उनके घर पे जा रहे हैं, उनको बुलाया है, तो अभी चलते हैं। तो
तो दोस्तों अभी हम आए थे अपने, मैं और दीदी आए थे अपने परले घर पे, और यहाँ पे बना रखे हैं छोले भटूरे जो कि हमने, मैंने और दीदी ने खा भी लिए हैं। देखो सब कुछ चबाटट कर दिया, सब कुछ चबाटट कर दिया दोस्तों हमने। और दोस्तों सब यहाँ पे बैठे हैं, तो सब भी हैप्पी रिपब्लिक डे बोल दो एक बार। हैप्पी रिपब्लिक डे, इसको तो आप जानते होगे। और ये है मेरी दीदी, ये है मेरी भतीजी दोस्तों, ये है मेरी भतीजी, और ये है मेरी भाभी जी, और ये है मेरे भाई जी, और ये नहीं बताऊंगा, और ये है मेरी दीदी जी। हाँ ये चिमकांडा दोस्तों, ये चिमकांडा तो चलते हैं दोस्तों भी। तो दोस्तों भी शाम हो चुकी है, 3-4 बजे हैं अभी शाम के, और अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा बड़े हो गए ना, तो कटवा के आता हूँ। और आपको मैंने बताना कि मैं बाल कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ, मतलब इस बार तो कटवाऊँगा, फिर आगे बताना कमेंट्स में इस वाले में कि मैं बड़े बालों में सुंदर लगता हूँ या छोटे बालों। और देखो किसी की शर्ट गिर गई बांदर लाके, ये पता नहीं किसकी मिलेगी, तो इसे कहीं और से लेके आया ये बंदर अभी। और देखो यहाँ पे ला के गिर दी किसी की शर्ट। देखो अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है, खड़े खड़े ही 5-7 दिख जाएंगे। यार जाएगा अरे मीठा रहा बाट दियो गुरु का तो तेरो मन में किस पसंद करोगे ना। हमें भाई गुरु जय राम जी की, मेरी 0 पॉइंट पर आई साइज हुई। तो मैंने हेयर कट करवा लिया था, और देखो ऐसा है हेयर कट चारों तरफ से, देख लीजिए, बताने को मर्च में कैसा लगा। और अभी मैं नाम है भैया के पास आया था, लेकिन भैया थोड़े बिजी मिले, लेकिन आज मैं भैया के कॉइन्स कलेक्शन दिखाता हूँ। भैया ने ना इतने पुराने पुराने सिक्के रख रखे हैं राकेश भैया ने, तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये नोटबुक पूरी कॉइन से भरी हुई है, और एक नोटबुक और है वो घर पे है। देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको ये नोटबुक, देखो दोस्तों ये वाला सिक्का, देखो इंटरनेशनल डे ऑफ, देखो दोस्तों ये वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योग का, ये वाला दो कितने सारे हैं, और ये वाला भगत सिंह का, सारे वैल्यूएबल कॉइन है। हाँ ये सारे भैया के ना वैल्यूएबल कॉइन है, ये सारे कॉइन ना 5,000 रुपए से ऊपर के हैं, हर एक एक कॉइन है इसमें 5,000 से ऊपर का है। वैसे एक आधा ही जुगाड़, जैसे एक ये 5 का हो गया, ये सिंपल है, वरना और ना सारे बिल्कुल एक एक कॉइन। देखो सारे कॉइन कॉस्टली सारे कॉइन भैया के पास, और बहुत सारे हैं। देखो कितना मस्त कॉइन है ये, पुराना बिल्कुल, और देखो मस्त कॉइन है ना दोस्तों। देखो ये वाला कैसे कॉइन है, और ये 50 सेंट, ये यूरो का, देखो 50 सेंट, शायद 100 सेंट में, मुझे पक्का तो नहीं पता, शायद 100 सेंट में $1 होता है, और ये 50 सेंट थे तो। और एक यारी ओ ये मस्त है, देखो ये कैसे इसमें सारे कॉइन्स, देखो दोस्तों है ना मस्त कॉइन बिल्कुल। देखो मैं सारे दिखाता हूँ आपको, देखो दोस्तों ये कैसा भैया, ये वाला ये, हाँ ये भैया ये ब्रिटिश कॉइन है, ये ब्रिटिश कॉइन है, और ये 25 पैसे हैं ये ऐसा। देखो दोस्तों वैल्यूएबल है, हाँ ये सारे वैल्यूएबल कॉइन है। देखो नेपाल का, ये सारे ना भैया ने कितने साल से जोड़ रखे हैं भैया, ये 10-12 साल बचपन से ही कलेक्शन करता हूँ, बचपन से ही भैया, बचपन से ही, देखो 10-12 साल हो गए भैया को ये कलेक्ट करते सीखे, जब ये दो बुक पड़ी है भैया की।
है ना दोस्तों, देखो मस्त मस्त बिल्कुल सारे सिक्के देखो। ये 50 पैसे है शायद, हाँ। और ये वाला नहीं वाला देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये 1000 रुपये का सिक्का है, मतलब 1 रुपये का नहीं, हाँ ये मतलब इसकी वैल्यू 1000 रुपये है। ये देखो सारे सिक्के, ये क्या दिए कर रखी लेमिनेशन साथ दी है। ये भैया ने 1000 रुपये में खरीदा था और अब इसकी वैल्यू ना बहुत ज्यादा है। 1000 रुपये में भैया ये कब खरीदा था आपने? 1000 रुपये में नहीं खरीदा, ये 1000 रुपये की वैल्यू है इसकी। अच्छा 1000 रुपये की वैल्यू है। हाँ एक ये वाला सिक्का नहीं होगा फिर तो। भैया ने एक सिक्का खरीदा था दोस्तों, वो 1000 रुपये का खरीदा था भैया ने, और अब उसकी वैल्यू ना 5000 से भी ऊपर की है। देखो टाइटैनिक लग रहा है बिल्कुल ये वाला ना दोस्तों। और ये कौन से का है, पाकिस्तान का क्या? ये इंडिया का ही है। ये किस चीज का है? इसको सीधा करके देखो ऐसे। अच्छा ऐसे, ये रहा देखो किस चीज का है ये, इसके ऊपर लिख रखा हुआ। अच्छा हाँ पढ़ लो दोस्तों, रखो है ना। और जो अच्छे अच्छे सिक्के ना, मैं आपको उनको ही जूम करके दिखा रहा हूँ, मतलब वैसे तो ये सारे ही अच्छे हैं। नहीं बन रहा भाई, फैमिली आईडी में आपकी इनकम शायद ज्यादा है। ज्यादा कितनी पड़ेगी? और आपको बाद में दिखाऊंगा दोस्तों जब टाइम मिलेगा, तो अभी घर पे चलते हैं, शाम हो गई, मैं तो बाल कटवाने के लिए आया था और अभी शाम हो गई तो घर पे चलते हैं। बाय भैया, बाय बाय कर दो एक बार सभी को, और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दो आप सभी को, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो भैया काम करे देखो, तो अभी चलते हैं वापस घर पे, घर पे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों भी घर आ गया था, और घर आके देखा कि मम्मी ने बनाई है आलू चटनी और इसमें हरी मिर्ची डाल दी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो अपनी अलग से बनाऊंगा। और इसमें मम्मी जी ने लहसुन भी नहीं डाला हुआ, तो मैं अपने लहसुन की बनाऊंगा। तो मम्मी जी ने मेरे आलू बचा रखे थे, मैं बोल गया था कि मम्मी बता रही थी कि आलू चटनी बनाऊंगी, फिर मैंने कहा था मम्मी मेरे दो आलू अलग से रख देना, मैं अपनी अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मम्मी और दीदी और दादी जी ना लहसुन नहीं खाते, पापा भी नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन मुझे पसंद है लहसुन, तो मैं अपनी लहसुन के बना लेता हूँ। दोस्तों चटनी बना दिया, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा बन गई देखो कलर में डिफरेंस देखो, ये वाली मम्मी इसमें बिल्कुल लाल मिर्ची नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी हरी मिर्ची नहीं है, एक हरी मिर्च है और लाल मिर्च है और लहसुन है बिल्कुल, स्वाद भी अलग, और इसकी अरे मुझे बोलना ही आता कंसिस्टेंसी, हाँ शायद वही होता होगा, हाँ वही होता है। देखो कितनी पतली है ना, और इसी है देखो कितनी मोटी है, देखो बड़ी गिर भी नहीं रही नीचे है, कहीं उसे से गिर रहा है, तो बना दी अभी। तो दोस्तों मैंने ये चेंज कर लिया अपने टी शर्ट से, मैं लाने से बोल रहा था लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, बोली कि बुखार हो जाएगा ठंडा ना बेटा। तो मैंने ये निकाल दिया था, मम्मी ने अच्छे तरीके से कपड़े से मेरी सारी पीठ पूछ दी और सारे बाल पूछ लिए अच्छे से, सारे पीछे से गर्दन पूछ दी, सारे बाल उतार दिए मतलब। और अभी मम्मी खाना बनाएगी तो मैं पूजा कर लूँ उससे पहले। तो दोस्तों अभी मैंने खाना पीना खा लिया है, और आज की वीडियो हमें पेंट कर दिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।